मैं गाना गाने वाला हूँ। हमारी फ्लाइट लैंड करने वाली है। हम मैच जीतने वाले हैं। मेरी परीक्षाएं होने वाली है। सो गाइस, इस प्रकार की छोटी छोटी वाक्यों को हम हिंदी में तो बड़ी आसानी से बोल लेते हैं, बट जब इसे इंग्लिश में बोलने की बारी आती है तब हम कन्फ्यूज हो जाते हैं। सो गाइस, इस प्रकार के वाक्यों को हम इंग्लिश में कैसे कहेंगे? इस प्रकार की सेंटेंसेस को इंग्लिश में कहने के लिए आपको ये स्ट्रक्चर फॉलो करनी पड़ेगी। पहले आपको लिखना पड़ेगा सब्जेक्ट, इसके बाद इज, आम, आर, इसके बाद अबाउट टू। अबाउट टू के बाद आपको यूज़ कर देनी है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और लास्ट में ऑब्जेक्ट या फिर अदर वर्ब्स। चलिए कुछ एग्जाम्पलों के मदद से इसे और भी बेहतर समझने की कोशिश करते हैं। मैं गाना गाने वाला हूँ। आई एम अबाउट टू सिंग अ सॉन्ग। आई एम अबाउट टू सिंग अ सॉन्ग। हमारी फ्लाइट लैंड करने वाली है। आवर फ्लाइट इज अबाउट टू लैंड। आवर फ्लाइट इज अबाउट टू लैंड। मेरी परीक्षाएं होने वाली है। माई एग्जाम्स आर अबाउट टू हेल्ड। माई एग्जाम्स आर अबाउट टू हेल्ड। वो घर जाने वाला है। ही इज अबाउट टू गो होम। ही इज अबाउट टू गो होम। हम मैच जीतने वाले हैं। वी आर अबाउट टू विन द मैच। वी आर अबाउट टू विन द मैच। पुष्पा 2 रिलीज होने वाली है। पुष्पा 2 इज अबाउट टू रिलीज। पुष्पा 2 इज अबाउट टू रिलीज। वो घर जाने वाला है। ही इज अबाउट टू गो होम। ही इज अबाउट टू गो होम।